क्या मैंने कल सपना आज सपना देखा सुबह में कि तुम टाइम बोल गई हो। मतलब अच्छा तो कुछ देख नहीं सकते, मेरा पैर बोलना ही देखो इतनी इतना मतलब परेशान कर दूँ क्या आपको? वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। आज का ब्लॉग दिखाते हैं आपको क्या कुछ रहता है आज के ब्लॉग में। सो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और सब्ज़ी मैंने बना ली है, आलू गोभी और मटर की। यहाँ पे पराठे सेक रही हूँ क्योंकि बहुत ही अचानक से मुझे पता चला कि इन लोग को जाना है कहीं, मतलब भैया को कहीं और जाना है और इनको कहीं और जाना है। तो फटाफट से यहाँ पर मैं दौड़ भाग के सबको नाश्ता करा रही, और पतिदेव जी को लेट से जाना था तो मैं भी आराम से थी। भैया का कुछ पता नहीं था कि जाएंगे कब नहीं, अचानक से पता चला कि जाना है तो मैंने सोचा फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं, पता नहीं फिर कब आएंगे कब नहीं। तो अगर पराठा सब्ज़ी वगैरह खा के जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी तो फटाफट से हो गई, फटाफट से यहाँ पर पराठा सेक रही हूँ सबके लिए। मैंने फ़ोन को सामने जो डिब्बे रखे थे नमक वगैरह के उस पर टिका दिया और फटाफट से यहाँ पे पराठा सेकने लगी। उधर हल्का सा आप लोग को दिख रहे होंगे भैया कमरे में, वो वहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और पति देव जी अभी नहा रहे हैं और मैं पराठे सेक रही हूँ। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ हो जाती है अगर किसी को कहीं जाना रहता है तो, वरना ऐसे हल्का फुल्का नाश्ता करो फिर दोपहर में खाना एक ही बारी खाओ, लेकिन किसी को कहीं जाना रहता है तो सुबह सुबह, और वो भी अचानक से पता चले कि अचानक से कि जाना है और कुछ भी तैयार ना हो, तब और ज़्यादा हड़बड़ हो जाती है। मैं थक गई थी बहुत ही ज़्यादा भागते दौड़ते, एंड उसी मुझे थोड़ा बहुत ज़ुकाम भी हो रखा है तो मुझे छींके भी आ रही थी, और इस टाइम छींक आना मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पेट पर दर्द होने लगता है क्योंकि लोड पड़ता है। ये मेरा नाश्ता रेडी है, मैं खाऊंगी खाऊंगी रोटी रोटी और ये खाएंगे पराठा। पराठा। काओ बिड़ू, मतलब मतलब इतना मुझे भगाया है आज इन दोनों भाइयों ने। बहुत भाग गया अरविंदो तक भाग गया। नहीं, इन्होंने बोला, इन्होंने बोला मैं 12 बजे तक आज मैं जाऊंगा, जाऊंगा उन्होंने बोला, उन्होंने मैं दस मतलब बजे मेरे तक भैया जाऊंगा जेठ ने, जेठ जी ने, उन्होंने बोला मैं 10:30 तक नहीं, कोई प्लान नहीं, आराम से दोनों लोग सो रहे हैं, इन्होंने तो बता दिया कि 12 बजे निकलूंगा। वो 9:30 पे उठे, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। जब उनको मैंने फ़ोन पे बात करते सुना तब मुझे पता चला निकलेंगे, तो मैंने पूछा कितने बजे, तो इन्होंने मेरे को 10 बजे बताया, मैं 10:30 पे निकलूंगा। मैं भागते भागते सब्जी रोटी सब्जी पराठा बनाई, तब तक इनका खबर आता है मैं जा रहा हूँ तुरंत। तुरंत अब मेरी हालत आप लोग समझ सकते हो, कितना भागते भागते काम करी, थक गई मैं। तू करते हो ऐसा क्यों करते हो ऐसा? तब कम बोलो नहीं बोलो, खाली बीवी को परेशान करते हो उसकी देखकर। पराठा अच्छा नहीं बना। अब इतना दौड़ाने के बाद से ये भी कमी रह गई, ये पराठा अच्छा नहीं, आटे का ही बना है क्या? मैंने कल सपना आज सपना देखा सुबह में कि क्या तुम टाइम बोल गई हो। मतलब अच्छा तो कुछ देख नहीं सकते, मेरा पैर बोलना ही देखो इतनी इतना मतलब परेशान कर दूँ क्या आपको? कोई हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है, खाली छोटी पैर बोल गई तो हॉस्पिटल देखी क्या मैंने कर? टाइम बोली हो लेके जा रहा हूँ, और जब पहले इतनी बड़ी थी और जितना लेट हो रहा उतनी छोटी होती जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा सपना है, किसी के मतलब
मरने का सपना देखना मतलब उसकी उम्र लंबी बढ़ाना, मतलब मैं अभी आपको और परेशान करूंगी। हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, हो नहीं सकता है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। पहले साथ ही में लेके जाओ। बिल्कुल। क्यों आपको किसी और के लिए छोड़ू बताओ? क्यों छोड़ू किसी और के लिए? यार तुम पहले चले जा रहे हो, मैं 10-15 साल बाद आऊंगा तो। ना 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 ना, जब शादी मेरे से किए हैं तो मेरे साथ ही जिएंगे, मेरे साथ ही मरेंगे, है ना? तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना, आलू गोभी और मटर की सब्जी जो सुबह बनाई थी वही अपने लिए, क्या अलग से बनाऊँ। और वैसे भी मैंने ज़्यादा जानबूझ के बढ़ा के बनाया था, क्योंकि आजकल मुझे ये गीला चावल मतलब थोड़ा सा गीला रहे और ये थोड़ा सा पकेगा बहुत मन कर रहा है खाने का, तो मैंने सोचा वही बना लेते, इसलिए मैंने सुबह आलू गोभी मटर की सब्जी बना दी, सब लोग खा के चले भी गए। एंड अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चावल। ये मैं अभी खाऊंगी खाना, सलाद वगैरह मैं कुछ खाती नहीं हूँ, खीरा खाती हूँ तो खीरा इस टाइम पे मिलता नहीं है, बाकी कोई भी सलाद में नहीं खाती, मूली वूली कुछ भी नहीं खाती। पहले प्याज खाती थी बट इस प्रेगनेंसी में मेरा प्याज खाना एकदम बंद हो गया है, बिल्कुल नहीं खाती हूँ प्याज में। एंड ये मैंने निकाला है अभी शूट के लिए साड़ी, तो खाना खा के पहले मैंने सोचा कि शूट कर लेते हैं फिर खाते, फिर मेरे को भूख लग गई तो मैंने सोचा पहले खा लेते हैं फिर शूट करते हैं, तो खाना खाने के बाद से मिलते हैं। तो अभी मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था अपने व्लॉगिंग के लिए, तो वो आ गया है, खाना भी नहीं खा सकती चैन से, तो वो आ गया है, ले लेते हैं। अभी आ रहा है, मैंने लोकेशन बताई है। बहुत दिनों से मैं इस पार्सल का वेट कर रही थी जब से ऑर्डर किया था तब से, और ये आ चुका है मेरा पार्सल। अभी ओपन करते हैं इसको, ओपन करते हैं। ये मेरे व्लॉगिंग में अगर अच्छा प्रोडक्ट निकल गया तो ये मेरे व्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा काम देने वाला है। एंड अभी मैं एक मिनट अपना ट्राईपॉड, सो मेरे को ये व्लॉगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, कहीं भी पोर्टेबल है, कहीं भी लेके चल सकते हैं। आई थिंक चार्ज नहीं है अभी, है तो थोड़ी देर वेट करते हैं। एंड इसके साथ आपको मिल जाएगा ये चार्जर, तो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। बहुत डिम लाइट है यार, मैंने तो अच्छी लाइटिंग के लिए इसको मंगाया, चार्ज नहीं है। चार्ज करके फिर इसका रिव्यू देते हैं, अगर अच्छा नहीं निकला तो इसको वापस कर दूंगी। तो ये है, चार्ज हो चुका है। यहाँ पे स्टैंड दिया है फ़ोन में फंसाने के लिए, और इसकी लाइटिंग इतनी तेज़ है। एंड मैं आपको फ़ोन में फंसा के भी दिखाती हूँ। मैंने अपने पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया है, एंड अब दिखाती हूँ इसकी लाइटिंग। ये इतनी है, अभी सही से चार्ज नहीं हुआ है, क्या है। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग होते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बाय बाय।